गाइस आज हम फिर से एक और एपिसोड में आ चुके हैं। सो गाइस यार पिछला रैंक जो सर्वर था अपना यार उसमें हैकर वगैरह बहुत सारे आ चुके हैं, तो इसलिए यार अपनी पार्टी जो थी उन्होंने छोड़ दिया। मैंने कहा यार तुम लोगों ने बकचोदी मार दी, तो मैंने अब भाई लोगों से सुन लो तुम लोगों ने यार पहले वैसा किया वैसा किया फिर बाद में छोड़ रहे हो, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। हम लोग वैसे भी स्टैंडर्ड स्टार्ट करने वाले थे उस टाइम पे, लेकिन वो लोगों ने हमको रैंक में बुलाया, तो लेकिन उसमें भी हैकर आ गया। अभी इसमें भी हैकर आएगा मुझे पता है, बट आएगा हैकर तो आएगा। अपडेट के बाद हैकर बैन भी नहीं किया यार, पता नहीं क्या सीन है, समझ नहीं आ रहा। जल्दी कुछ करो यार भाई, गेम वालों हैकर को बैन करो, कुछ तो करो भाई। इतने ज़्यादा हैकर आ रहे हैं गेम में यार, इनको बैन करो भाई साहब। चलो कोई बात नहीं, कोई रिएक्शन दो इनके लिए। तो ज़्यादा कुछ बोलते नहीं यार, तो स्टार्ट हमने कहा क्रेजी भाई ने यार, मैंने कहा डुओ जोड़नी स्टार्ट करते हैं सबसे बढ़िया, वो भी स्टैंडर्ड मोड में, जो कि हमने के लिए बेनिफिट हो जाएगा भाई साहब। क्या कि मतलब यार आराम से लूटेंगे फीटेंगे, मतलब रेड के लिए भी आराम से, मतलब रेड भी कर पाएंगे। लेकिन यहाँ अपना वेस्ट रेड हो रहा है भाई, मतलब यहाँ पे मतलब ये होता है सीन, हम स्टोन का वेस्ट करके मतलब चले गए फार्म पे। भाई बंदे ने आ गया, देख लिया उसने फार्म करते करते, और इसमें एक तो सुबह से ये सर्वर था, हम शाम को ज्वाइन हुए, तो इसमें बम और बसंजी सब लोगों को मिल गया था, तो पहला बेस हमारा फाइनली मतलब रेड हो गया यार पूरा। अच्छा खासा लूट मिल गया था, गन नहीं मिला था, गन मिल जाता तो शायद हम डिफेंस ले पाते, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे हमारे जो क्रेजी भाई है ना, जो भाई साहब वो मतलब वहीं थे भाई, उनसे डिफेंस फाइट कर रहे थे, वो भी शॉर्ट गन से, लिटरली यार भाई साहब शॉर्ट गन से फाइट कर रहे थे, मतलब शॉर्ट गन से उन्होंने डिफेंस किया। मैंने कहा मेरा बैग लगाओ उस क्रेजी भाई, लेकिन हमारा बैग वाला रूम जो था उन लोगों ने तोड़ दिया था फिलहाल दोनों बंदों ने। तो यहाँ पे क्रेजी भाई अंदर कैबिनेट रूम में फंसे पड़े हैं, कैबिनेट फर्नस लूट सब वो एक ही रूम में हमने, और बाकी रूम बकवास के लिए रखा था। तो फर्नस मतलब फर्नस रूम बाहर ही था जहाँ स्लीपिंग बैग था, आपने देखा होगा। तो फर्नस रूम से छोड़ो, कैबिनेट रूम का लूट बच जाना चाहिए सोचता था, और मैंने तीन ही वुल्फ मारे थे, सेफ बार भी खोलना था, क्योंकि यार सेफ बार में कुछ तो लूट बचा। लेकिन यहाँ पे अपने क्रेजी भाई जो है शहीद होते हुए एकदम बिंदास तरीके से, चलो कोई बात नहीं, क्रेजी भाई शहीद हो गए, हम फिर से फार्म करते हैं, फिर क्या करें फिर यार, मेरे को तो स्टैंडर्ड खेलना ही था, तो इसलिए मैंने फिर से फार्म पे चला गया। इसलिए मैंने यहाँ पे इल्क देखा, इसको मारने का ये कि अपने होली एथरेना जो करेक्टर है उसको मतलब मिशन भी रहती है, उनको डेली मिशन करके मिशन भी करते रहो, साथ में खेलते रहो। ऑफिशियल में मिशन होंगे ना कि ऑफिशियल और ऑपरेशन बेस में, इन दोनों के मिशन हो जाएंगे। तो इसलिए यार यहाँ पे अपना एक बंदा दिखता हुआ, जो मतलब यार इसके पास चक्कू है और ये चक्कू से मेरे को मारने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने कहा यार भागो भाई भागो, यहाँ पे रुकने का 1% मतलब कोई है ही नहीं यहाँ से, मतलब फटाक से जो है 9-10-11 होते हैं सीधे, मतलब जहाँ पे कोई अच्छा सा प्लेस देख के बेस बनाते हैं। तो यहाँ पे हम फटाफट से जो है मतलब भागने की कोशिश, और इससे मतलब मेरा भी एक तो ये सीन देखो, मेरे को अभी फुटपिंस नहीं आ रहा, पीछे जैसे आई बटन कर रहा हूँ तो फुटपिंस आ रहा है, क्यों मेरा यूज जो रन वाला मैंने जो अपडेट किया था टैलेंट पॉइंट से, तो वो यूज हो रहा है, मतलब इसमें बहुत यूज हो रहा है, 3% तेज भाग रहा है, मतलब यार अच्छा बात है यार भाई तगड़ा है। और वहाँ पे वो बंदा दूसरा आता हुआ उसको मतलब कंफ्यूज कर दिया यार, क्या ही मतलब मजा आ गया। बिल्कुल थैंक यू यार ब्रो तुमने मतलब उसका ध्यान बटाने के लिए और मेरी जान बचाने के लिए। तो यहाँ पे आप चलते हैं, यहाँ पे मतलब एक वुल्फ मेरे को यहाँ पे दिखता है, तो मैंने कहा चलो इसको भी मारते हैं, क्या पता इससे कुछ अच्छा लूट तो क्या मिलेगा, मतलब अपना मिशन हो जाएगा जो सेफ बार खोलने का। तो यहाँ पे हम मार्ट बोर्ड में फिर से आते हुए एक और बेस बनाते हैं, लेकिन बंदे हमको फिर से जीने नहीं देंगे, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा बड़ा बेस नहीं बनाऊंगा। तो यहाँ पे हम 2x2x अभी फर्स्ट फ्लो मतलब ऐसे ही बनाता हूँ, क्योंकि भाई उस टाइम ने हमने क्या स्टोन का बेस रखा था भाई, रेड कर दिया। अभी मैं स्टोन का नहीं, इसको आयरन का खरे बिना बाहर से कदम मतलब अंदर से बाहर को कदम रखूंगा ही नहीं, और मुझे लॉक भी बनाना है भाई, लॉक के बिना तो कुछ होगा ही नहीं, तो एनिमी आ ही जाएंगे कि अभी आ जाते हैं अभी देख लेना। तो यहाँ पे हमने चेस्ट प्लेस किया और अब कैबिनेट में मतलब लूट वूट प्लेस किया और थोड़ा अपडेट किया इसको, मतलब अपडेट कर दिया मैंने इसको, मतलब क्यों मैंने, क्योंकि अब तक से आयरन का भी कर लूँ, क्योंकि मेरे को फर्नेस लगाना था, एक फर्नेस मेरा बन रहा था, तो मैंने बिना देरी करते हुए भी फर्नेस भी बनाता हूँ, फर्नेस मतलब वो कर लेता हूँ। पहले लूट जो था ना जो अपने पास था भाई साहब, इसको जो है चेस्ट में रख लेते, नहीं तो भाई साहब बीड़ू बंदा आ जाएगा कब का जो मार के हमको, मतलब हमारा जो लूट है अपने पास ले जाएगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा, ये होता है सीन। तो ये करना नहीं है, तो फिलहाल मैं बाहर आता हूँ, और मैंने कहा चलो फटाक से जो है थोड़ा वुड की कमी पड़ रहा है, थोड़ा स्टोन आयरन का कर लेते हैं, क्योंकि भाई हमने को जो है बेस को पूरा अपडेट एक ही बारी में आयरन का कर देना है, मतलब जिस रूम में कैबिनेट और वो रहेगा उस रूम को पूरा आयरन का कर देंगे, क्योंकि पिछली बार हमने क्या कर दिया, गलत कर दिया, हम स्टोन में ही चल के छोड़े गए मतलब बेस को यार, भाई बंदे लोग रेड मार गए, अब पता चल गया हमको कि मतलब इनके पास ऑयल बम आ गए, तो समझ रहा हूँ कि
मतलब समझ रहे हो ना, तो आयरन का बेस कर देते हैं। और यहाँ पे उर्जी से हमारे भाई क्या मतलब क्रेजी भाई फिर से टपकते हुए, कोई बात नहीं नीट भाई, तुम यार अच्छे से फार्म करो, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे लिए, मतलब हमने बेसेस बना दिया, अब दिक्कत नहीं है, तुम आ जाना अभी। तो पहले हम जल्दी फटाफट से लॉक लगाते हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ बिना लॉक लगाए नहीं तो बंदा हमारे घर के अंदर एंट्री मार देगा, और एंट्री मारेगा तो भाई साहब सारा लूट ले जाएगा चोरी करके, या क्या फ़ायदा फिर, क्या इतना मेहनत मेहनत पे सारी पानी फिर जाएगी फिर। तो यहाँ पे बंदे का नाम लेते ही बंदे का मतलब हमको फुटप्रिंट्स आने भी लगते हैं, तो मैंने वो भाई गेट भी खोल दिया, ले मैंने गेट खोलते ही मैंने अपना जो वॉल प्लेस करके स्टोन भी कर दिया। भाई आप ज़्यादा देरी मतलब ये लोग जाएंगे अभी वापस, ये बॉम्ब भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब हमको फटाफट से ये परनस बना के फटाक से लॉक किया आयरन का, मतलब इसको कर देना है फटाक से, नहीं तो भाई साहब, और मैं आयरन का तो नहीं स्टील तक का वेस्ट कर देता हूँ भाई साहब डर के मारे, क्योंकि मतलब यार पिछली बार रेड हो गया, मुझे एक सर्वर खेलना था क्योंकि ये सर्वर रिफ्रेश हुआ था आज सुबह का ही है, मतलब उसी टाइम का, मतलब 100 बंदे इसमें ज्वाइन थे, एंट्री के लिए भी टाइम नहीं थी, तो ऐसे सर्वर में मेरे को खेलना पसंद है भाई, इसी सर्वर में हैकर को जो है ना एंट्री बाद में मिलती है, तो बाद में तो आएंगे, चलो देख लेंगे बाद में जो भी होगा, चलो अब देखेंगे, हैकर से दूर रहने की सोचेंगे, मतलब दूर से उनके साइड बेस नहीं बनाएंगे, उनके साइड से भी फाइट नहीं करेंगे, लास्ट में बताएंगे हैकर को बैन कराएंगे, मतलब रिपोर्ट कर करके बैन हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो अगर मतलब 4-5 बंदे एक साथ रिपोर्ट करेंगे तो मतलब हैकर का आउटगोइंग हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा वो, फिर मतलब फिर भी आ ही जाते हैं यार, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है, कब तक चलता है, कब तक झिलता है। तो चलो भाई गाइस, तो यहाँ पे हमने मतलब जो है फर्नेस में अपना आयरन स्मेल्टिंग में डाल देते हैं, और मैं सोच रहा था कि यहाँ पे रूफ ही लगा लूँ, उसके बाद मतलब जो है भी अच्छा लगेगा, तो मैं वॉल को ग्लिच करके यहाँ पे रूफ ही लगाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन रूफ ही यार वॉल ग्लिच, मेरा ये रूफ ही निकालने के बाद जो है वॉल ग्लिच ही नहीं हो पा रहा था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्या मतलब क्या ग्लिच हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। चलो मैंने कहा कोई बात नहीं, नहीं लग रहा है तो छोड़ देते, क्या करें फिर भाई दिमाग ख़राब है, तो इसको छोड़ देते, इसको ऐसे नहीं लगाते हैं, इसको क्या करते हैं बताऊँ, फटाफट आइडिया, इसको तोड़ो फटाक से और ये लगा लो, और यहाँ से वैसे भी यहाँ पे भी वॉल लगने वाला नहीं था, यहाँ पे लगेगा अपना डोर ही लगा देते हैं, क्योंकि डबल डोर रहेगा तो भाई बंदे को तोड़ने में कठिनाई होगी, तो इसी में अपन एक रूम में ही पूरा रूम, अब मैं एक काम करता हूँ सारे इसी रूम में रख देता हूँ, मतलब लूट टूट सब, और बगल वाले रूम में कभी वो करूँगा बाद में, इसको मैं बड़ा कर दूँगा बाद में, धीरे धीरे मेटल ले लेके थोड़ा स्टोन आयरन करते करते इसको बड़ा कर दिया जाएगा। फिलहाल मेरा जो है ये मतलब फर्नेस में सामान डल दिया है, और मेरा एक चीज़ गौर कर रहा था कि मैंने फर्नेस के दो है मैक्स कर रखे, मतलब जो इस फर्नेस स्पीड है, तो मैं चेक करना चाहता था कितनी फास्ट मतलब फर्नेस जो पता चल रखा है, तो मैंने सारा क्लाइम कर दिया था, अब कितने जल्दी कितना हुआ, और यहाँ पे 24 हो भी गया है भाई साहब, इसमें भी 24 हो गया, नाइस, बड़ा जल्दी हुआ यार कसम से, मेरे को जल्दी अपडेट करना था यहाँ पे, फाइनली इतना जल्दी अपडेट करना, ये देखो 4 हो गया, अबे 8 हो गया भाई, इतनी जल्दी स्मेल्ट हो रहा ना क्या ही बताओ, मतलब यार फर्नेस का सोशल सर्वर स्पीड हो रहा है, मतलब टैलेंट पॉइंट से इंक्रीज हुआ है यार, बहुत इंक्रीज हुआ है, लिटरली मजा आ रहा है, मतलब फर्नेस का जो स्मेल्टिंग टाइम है, तो ऑफिशियल में तो मतलब सोशल ही बन गया ही। और यहाँ पे अपने क्रेजी भाई लूट लेके आते हैं, और ये लिफ्ट भी मिल गया, मैंने कहा चलो एक बार इसका टेस्ट करते हैं कि वो छोटी वाली बैटरी से ये लिफ्ट चलेगी या नहीं चलेगी। क्रेजी भाई बोले थे कि बैटरी से, मैंने कहा बैटरी छोटी वाली, तो मैंने वो बोले थे नहीं बड़ी वाली, अरे मैंने कहा यार वो बड़ी वाली आज तक कभी मैं कभी दिखा नहीं है तुमको, अगर कभी वो बड़ी वाली बैटरी ऑफिशियल में मिला है तो मुझे कमेंट करना गाइस, जल्द जब जिसको भी मिला है, और यहाँ पे छोटी वाली बैटरी से चलेगा नहीं, मुझे पहले डाउट हुआ था, मैंने ट्राई भी मारा इसको चला नहीं, तो ये छोटी वाली बैटरी से चलेगा नहीं। तो गाइस यार आई होप कि आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आती है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लो, और पास में बेल आइकन को जो है ऑल पे सेट कर लो, क्योंकि यार देख सकते हो मेरे सब्सक्राइबर देखो कि मतलब अभी बहुत कम लोगों ने सब्सक्राइब किया, आप लोगों को दिख ही रहा होगा स्क्रीन में। तो गाइस यार प्लीज सपोर्ट थोड़ा बहुत भाई को भी सपोर्ट, तो कोशिश कर रहा हूँ मैं डेली वीडियो डाल रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, और तो नेक्स्ट वीडियो आएगी जल्दी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।